सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान है जो है सूरह अल रहमान के चार वाक्यात, तो फोर फैक्ट्स फ्रॉम सूरह अल रहमान। तो ये जो फैक्ट्स है सूरह अल रहमान से लिए गए हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हमें डिटेल में पता चलेगा कि ये कौन से चार फैक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है। सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अभी मूसा शरीफ को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा एक एक कोई हुजरा ऐसे ही तो घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद उतीता मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। ए अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा शरीक अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्ने जाहिरी, हुस्ने सौती, हुस्ने लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी चार आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्ने सौत और हुस्ने लफ्जी का की मेराज है, वहीं इसकी पहली चार आयात में चार चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान। एक आयत हो गई, रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत है, खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते, कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुरत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हां मैं भी। आप अंदाजा कीजिए कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद, हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान, और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के, लेकिन यह मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे, और रहमान इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में हैं, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा? आना जुहान। प्यासा मरा जा रहा हो, आना अफशान। बहुत गजबनाक होगा गजबान, गजबान आसिफा कुरान में आया है, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मानिंद। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहब कुरान है। इनमें जो मंतकी रब थे उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने।
अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, वो इल्म अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अजल में, ये उसी का जहूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दो और दूसरे इल्म है वो किसने दिए? अल्लाह ने दिए। ला यहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन यह कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान, नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान, अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल यह कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किए? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तखलीक की मेराज, उसके तखलीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मस्जूद मलाइक बना है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात व फ़ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो तखलीक में सबसे ऊंची तखलीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। अब आइए चौथी चीज, अल्लमहुल बयान, इंसान को बयान की सलाहियत अता फरमाई। क्या और कोई सलाहियत अता नहीं की? बिनाई किसने दी? अल्लाह ने। इसी तरीके से समाअत किसने अता फरमाई? अल्लाह ने। कितनी फैकल्टीज हैं, कितने एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं सेंस के, कितने इंटरनल सेंसेस हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। लेकिन यहां भी समझ लीजिए, जितनी फैकल्टीज हैं ह्यूमन फैकल्टीज, उनमें टॉप की फैकल्टी जो है वो स्पीच है, कलाम है, बयान है। जिन लोगों ने मेडिकल साइंस का मुताला किया है वो जानते हैं कि ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इस ब्रेन में जो वो ऊपर एक जर्द सा मादा होता है, ग्रे मैटर, उसकी एक कोटिंग होती है, ये हाईएस्ट इवॉल्व फॉर्म है, और इसमें सबसे बड़ा रकबा जो है वो स्पीच सेंटर कहलाता है। इसीलिए इंसान को हैवान नातिक कहते हैं। हैवान के और इंसान के माबेन इम्तियाज कायम किया गया, नुत्क, गोयाई, बोलना। अब ये क्या चीज हुई? इंसान की सलाहियतों में से सबसे ऊंची सलाहियत, चार आयतें हो गई ना, अल्लाह के नामों में सबसे चोटी का नाम रहमान, उसने जो उलूम पैदा किए उनमें चोटी का इल्म कुरान, उसने जो मखलूकात पैदा फरमाई उनमें चोटी की मखलूक इंसान, इंसान को जो सलाहियत और इस्तेदादात अता फरमाई उनमें चोटी की इस्तेदाद बयान। जमा कीजिए, नतीजा क्या निकलेगा? वो नतीजा एक हदीस नबवी की शक्ल में सामने आता है। पहली हदीस मैंने यही पढ़ी थी, इसके रावी कौन है? उस्मान इब्ने अफ्फान। मैं हैरान होता हूं वो काफिया यहां भी मौजूद है, रहमान, कुरान, बयान, इंसान, उस्मान, अफ्फान, बाप का नाम भी इसी वजन पर है, उस्मान इब्ने अफ्फान। अन उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान शहीद मजलूम जुन्नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए। कुव्वत बयान जो तुम्हारी टॉप फैकल्टी है, इसका इस्तेमाल किसी घटिया काम के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए उर्दू में मुहावरा है कि तोप से मक्खी नहीं मारी जाती, तोप बनाई गई है किसी बड़ी शय के लिए, मक्खी मारने के लिए तोप इस्तेमाल नहीं होती। ये कुव्वत बयान जो है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है ह्यूमन, जो फैकल्टीज है उनमें से, इसका इस्तेमाल भी टॉप मोस्ट होना चाहिए। कुरान को बयान करो, वो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, बल्कि गालिबन उनके कब्र पर आसपास जो अशार लिखे हुए उनमें से एक ये भी है, अगर यक कतरा खूंदारी अगर मुश्ते परेदारी बेआबामन तो आमोजम तरीके शाह बाजीरा, अगर तुम्हारे अंदर एक कतरा भी खून का है और मुट्ठी भर भी पर अगर अल्लाह ने दिए हैं तो है, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें शाहबाजी के तरीके सिखाऊं। इसी तरह जान लीजिए, अगर अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अगर अल्लाह ने तुम्हें हैवान नातिक बनाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें यह सलाहियत अता फरमाई, इस सलाहियत का मसरफ दुनिया को ना बनाओ, इस सलाहियत का मसरफ अल्लाह के कलाम को फैलाने पर इसको सर्व करो।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि इस वीडियो से हम लोगों को सूरह रहमान में जो चार फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि अल्लाह के नाम में सबसे छोटी का नाम है रहमान। उसके बाद था इंसान को जो इल्म दिए गए हैं उन इल्मों में सबसे छोटी का इल्म जो है वो कुरान है। कुरान हमें पता है उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें मेंशन है जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो अल्लाह ने मखलूक बनाई है उन मखलूक में से सबसे छोटी की मखलूक बोल दो कि जो सबसे सुपीरियर है वो है इंसान। इंसान को बनाना भगवान का कुछ पर्पस था इंसान को बनाना। उसके बाद में जो फोर्थ है वो है हमारी जुबान, हमारी स्पीच, जिससे हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, लोगों से अपने विचार शेयर करते हैं। जितनी भी हमारी थॉट्स होती हैं अगर हमारे पास जुबान नहीं होती तो हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता किसी से कॉन्वर्जेशन करने का। तो अल्लाह ने हमें ये जुबान दी है ताकि हम लोग अपने विचार लोगों के साथ में शेयर कर सकें, हमारे जो भी मन में आता है हम उन्हें साथ में एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें। लेकिन क्या होता है, लोग मोस्टली अपनी इस जुबान का, अपनी स्पीच का जो है गलत यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि मोस्टली ऐसी फालतू की चीज़ें, फालतू की डिस्कशन, चुगलियाँ, इसकी बुराई, उसकी बुराई, और अब्यूज़ करना लोगों को, लोगों की यही एक्स वाई जी जो बुरी बुरी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा करते हैं। बहुत कम होता है कि लोग नेकी के काम पे जो अच्छी चीज़ें फैलानी है लोगों में उसी के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। हमें हमारी जुबान का ये नहीं कहते कि 24/7 आपको सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए या कुरान के बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, आप दूसरी चीज़ें भी करो, लेकिन अगर आप अपनी जुबान का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप लोगों को कुरान के बारे में समझाते हैं, कुरान में जो इतने अच्छे मैसेज दिए गए हैं वो लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आप अपनी जुबान का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो। जो कि सूरह रहमान में भी मेंशन किया गया है कि जब आपको स्पीच दी गई है अल्लाह के द्वारा तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। तो अगर हम लोग 24 आवर्स में अगर 1-2 घंटे भी कुरान के बारे में लोगों को बताते हैं, उसमें जो अच्छे मैसेज हैं वो सारे डिस्कशन करते हैं, खुद भी कुरान पढ़ते हैं, तो वो सही मायने में माना जाएगा कि हम लोग अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है रिएक्शन वीडियोस बनाना, तो मेरी भी जुबान से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मैसेज लोगों तक जा रहा है जो उनकी लाइफ को हो सकता है थोड़ा सा इन्हेंस कर दे। बिकॉज ये नहीं मैं कहूँगी कि ड्रास्टिकली चेंज कर देगा, बट कहीं ना कहीं अगर लोग जितने भी बयान मैंने आगे रिव्यू डिटेल रिव्यू दिया है उनका, उसमें क्या होता है जो इतना अच्छा मैसेज है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। बिकॉज आप लोगों के इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं कि पहले आप लोग नहीं देखते थे वीडियोस, अब देखना स्टार्ट किया है। और आप लोग जब मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी मैसेज भेजते हो कि पहले ऐसा नहीं होता था कि यू आर नॉट एट ऑल शोइंग इंटरेस्ट इन सच वीडियोस, बट द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू हैव स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट एंड यू आर एक्चुअली वॉचिंग माई वीडियोज। उसके बाद में आप उससे जो लिंक्ड अदर वीडियोस भी होती हैं उनको भी रेफर करते हो, तो दिस इज रियली समथिंग वेरी गुड, जिससे क्या होता है कि मुझे भी खुशी होती है ताकि लोग दोबारा वो वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस को देखने से आप लोगों को कहीं ना कहीं वो मैसेज मिल रहा है जो कुरान में मेंशन किया गया है। बिकॉज सारे जो बयान हैं वो कुरान की सुरह और आयतों से ही लिए गए हैं और उन्हीं को आगे उन्होंने डिटेल में बताया है। तो ये हमारी चार चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे टॉप का इल्म जो अल्लाह ने हमें दिया है वो कुरान है, तो उसको कभी नहीं भूलना, उसको जरूर रेफर करना। अगर मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं जरूर किसी भी मौलवी को सामने बिठा के पूरी कुरान जरूर सुनना चाहूंगी, जिससे मुझे पता चले कि एग्जैक्टली उसमें कि और क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। बिकॉज इतनी अच्छी बुक है और आई पर्सनली वॉन्ट कि मैं कभी ना कभी उसे जरूर सुनूं। तो अगेन, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जरूर वो टाइम आएगा मेरी लाइफ में जिसमें मैं पूरा कुरान सुन सकूं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।